अभी कर रहे हैं ना 2 मिनट को, मेरा ब्लॉग बनाए। What's up YouTube? कैसे हैं आप सभी? एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम हम सब वापस आ गए। तो आज हम सभी जा रहे हैं आम्रपाली, और हमारे साथ विकास, आदित्य, हैंगा और संगम रहेंगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल टाइम तो बहुत हो गए, समथिंग अराउंड 9:30, और हम लोग निकल रहे हैं। सो लेट्स सी यू। हम लोग निकल चुके हैं गाइस, और ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ। नमस्ते अंकल, अंकल जी ब्लेसिंग देते हुए आदि का ध्यान रखना। और हमारा एक दोस्त टीटू, एक बार मिल लेते हैं दो के बाद टीटू। और देखिए अभी निकल रहा है टीटू, प्लीज आ रहा हूँ। ये दो के पास सुनो, अभी भी एक टिकट और एक्स्ट्रा है हमारे पास, सो चलो पास है, पास है, पास होने के बाद भी नहीं बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, चलना है बोल दे सब लोग। हाँ ऐसे बोल दो, एक टिकट ले लिए, ले लिए दो के बाद सीटू, और अपना बहुत अच्छा भाई है, धोखा दिए थे हम लोग को। अच्छा चल ठीक है, मिलते हैं। जितने आप घर देख रहे हैं मेरे पीछे गाइस, एक्चुअली क्या है यहाँ पे हम लोग सब तोड़वा के यहाँ रनवे बनवाना है, क्योंकि जैसे हम लोग कहीं आते जाते हैं तो प्लेन हम लोग को खड़ा रहता है, उसको चला वाला पाते नहीं हम लोग, तो ये सब पूरा तोड़वा के फिर यहाँ पे रनवे बनवाएंगे, ताकि हम यहाँ से आराम से मतलब कहीं आ जा सकें। पायलट हमारे पास सही है, पायलट हैंगा है, मतलब प्लेन में उड़ाता है। सो देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। एक्चुअली ई रिक्शा मिला है, ई रिक्शा, और अभी यहाँ से हम लोग ऑटो के लिए जा रहे हैं। अभी आगे जो स्टैंड होगा ऑटो स्टैंड तक हम लोग ई रिक्शा जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेवलिंग डिस्टेंस था, चलने वाला था, तो हम लोगों ने चलने से अच्छे ई रिक्शा लेते, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ तो वही ना, ये जो बगल में आप पार्क देख रहे हो, तो इसमें क्या है कि लड़का लड़की लोग अपने घर पे झूठ बोलते हैं कि हम ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं और कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और यहाँ पे आके बैठे रहते हैं, यहाँ पे देखो देखो बैठे हुए सब, ऐसे मतलब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, बड़ा टेंशन वाली चीज़ हो गई है। मैं समझाऊँगा इन लोगों को, किसी दिन मिलूँगा तो सब भैया जी हमारे साथ जा रहे हैं, यहाँ सब लड़का लड़की लोग घर पर झूठ झूठ बोल के बर्बाद हो गया जमाना, और पहुँच गए हम। और अभी ये भिकमंगे लोग ऐसे ऑटो वाले से पैसे वैसे के लिए मतलब लड़ाई वड़ाई करेंगे कि भैया थोड़ा कम में कर दो कम में कर दो, और ऐसी जगह मैं नहीं रहता, बिकॉज आई फील कि उनका हक है, देखो पैसे के लिए लड़ाई चालू, लोग ऐसी आदत ही हो गई है, तो ये लोग साथ में इतना मैं भाव नहीं देता मेरा। इतना भीड़ है, मेला वाला देखने आए, पता नहीं क्या मिलता है, घर पर रहकर आराम नहीं कर सकते, निकलना ही है निकलना घूमने। देखा गाइस मैंने कहा था ना, देखो रिक्शा वाले भैया पीछे आके थे, लोगों ने पैसा कुछ कम दिया था, आई टोल्ड यू हैबिट है इनका, ये देखिए पैसे कम दिए थे, आदत हो गई है मतलब गरीबों को पैसा मारने वाली, यही सब आगे चल के DM वो बन जाते हैं और बड़े बड़े नेता होता बन जाते हैं और लोगों के पैसे मारते हैं। क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे लखनऊ में मेट्रो बने कुछ ही टाइम हुआ है, तो बेसिकली क्या किया था मैंने ऐसे मेट्रो वेट्रो बनवा दिए, लेकिन आप देख लो लोगों की आदत हो गई कि नहीं मेट्रो इस्तेमाल ही नहीं करनी है, मेट्रो यूज़ देखिए सामने बनाया, मैंने पूरा पैसा खर्च किया, कभी किसी से नहीं कहा कि भाई 150 रुपये मदद कर दो, ऐसा कुछ नहीं, पूरा मेट्रो बनवाने के बाद भी ऐसे ही इन लोगों का कि नहीं ऑटो से जाना है ऑटो से जाना है। अब हालत देख रहे हो, हालत देखो क्या भीड़ मचा के रखी सुबह सुबह, अबे मेट्रो चले जाओ शर्म कर लो यार। गाइस फाइनली हम निकल रहे हैं, पुलिस वाले रुक गया, पुलिस वाले ने देखिए रोक लिया, पुलिस वाले रोक ली, पुलिस चली जा चुकी है ना, हम लोग वापस चल चुके हैं आम्रपाली के, भाई ऑटो चला रहे हैं, और एक्चुअली वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसलिए वहाँ पे रोक दी जाती है गाड़ियाँ कि आप वहाँ पे गाड़ी मत रोको, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, लेकिन बाई मिस्टेक भी तो देना, हम लोग वहीं पर खड़े हुए थे, निकल रहे हैं हम लोग आगे जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ ऑटो पकड़नी है, यहाँ से फिर से हम चेंज करने हैं उनको, तो ऑटो मिल नहीं रही, थोड़ा सा आगे वॉकिंग डिस्टेंस वहाँ जाना पड़ेगा, सो अच्छी खासी दूरी है आशियाना लखनऊ, आशियाना से अगर आपको यहाँ पे आना है तो अच्छी खासी दूरी है, थोड़ा चलना पड़ता है, बगल में लखनऊ की सबसे बड़ी मंडी दुबग्गा मंडी, सारी सब्जियाँ वगैरह लोग जो होते हैं होलसेल में लेके जाते हैं यहाँ से। तो अभी ये लोग क्या है कहीं सामान वामान ले रहे हैं, हाँ आम्रपाली आम्रपाली, तो बस मिल गई गाइस, जाइए
प्राइवेट वाली बस मिलती तो वो मिली है। आना भी हम लोग अभी खड़े हुए ना, तो यहाँ से कुछ समथिंग अराउंड 10 किलोमीटर है, तो हमें ऐसे बस में चल के जाना पड़ेगा। तो पहुँच कर दिखाते हैं। भैया लौंडे पैसा दे देना। हाँ ऐसे बता रहा। तो फाइनली हम आ गए हैं गाइस। उसके बाद बाय बस वाले भैया, जिंदगी भर ऐसे बस चलाते रहो, ऐसे ही बस चलाते रहो, ऐसे जिंदगी भर बस चलाते रहो, कुछ ना हो पाए तुम्हारा। हेलो, तो गाइस अब फाइनली आ चुके हैं और अभी टिकट विकेट का सीन चल रहा है। पास था हमारे पास, तो पास का वेरिफिकेशन चल रहा है। हेलो, ओके गाइस हम फाइनली आ चुके हैं और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि खाली कोई नहीं है पूरा वाटर पार्क अपना आज के लिए। सारी स्लाइड्स वगैरह सब कुछ हमारे लिए एकदम फ्री, एकदम खाली है, कोई है ही नहीं। इनका इनका व्यापार बर्बाद चल रहा है। तो गाइस हम फाइनली यहाँ अब जा रहे हैं वाटर पार्क के अंदर। परिणीति चोपड़ा कौन सी पिक्चर थी, इससे ज्यादा ना, इससे ज्यादा में इससे ज्यादा में स्लाइड से उतरी थी। अभी उसको पता चलेगा कि मैं आ रहा हूँ, तो अभी यहाँ चली गई, थोड़ा शर्माती है मेरे से। तो फाइनली देर हुए हैं, तो हम दिखाते हैं अभी फिलहाल जाकर पहले चेंज करेंगे, सिर्फ पानी में कूदना है और कुछ नहीं करना। तो हम पानी में कूदने का जा रहे हैं सीवन। अभी यहाँ ड्रेस वगैरह ले रहे हैं, यहाँ पे कंपल्सन है ड्रेस लेना और एक लॉकर लेना पड़ता है, तो सब लेके आते जाएंगे। गाइस हम लोगों ने चेंज कर लिया है और इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने बैग वगैरह सब लॉकर में डालेंगे। भाई को देखिए छुप रहे, टांगे दिखाने में शर्म आती है। लॉकर में सामान रखने के लिए लोग लाइक लॉकर बहुत छोटा मिला गाइस। हाँ गाइस, तो अभी एक्चुअली लॉकर का सीन क्या हुआ ना कि लॉकर बहुत छोटा पड़ गया, तो हम लोग एक और लोग का लॉकर लेने जा रहे हैं। जो लेगा जा, एक और लॉकर ले लिया है, तो सारा सामान जो बचा खुचा था इसी में आ जाएगा। 66 जे जे और भी लोतर ये गाइस आर फाइनली इन द पूल। अबे वो लोग ऊपर, और गाइस ऊपर पहुंच गए हैं हमारे साथ ये दो सबसे अच्छे दोस्त, अब वो नीचे आएंगे। संगम गिर पकड़ पकड़ पकड़। सो हियर दे आर, तो फाइनली हम पूल में जा चुके गाइस एंड सभी लोग पूल में उतर चुके। वी हैव टेकन फ्यू राइड्स, अभी हमने वीडियो नहीं बनाई बिकॉज वहाँ पे कैमरा लाइक रिस्की होता है ना कैमरा लेके साथ में जाना। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
लगातार मेरे ख्याल से समथिंग अराउंड 5 घंटे हम पानी में थे एंड अभी हम निकल के रेडी हो चुके हैं वापस जाने के लिए, बिकॉज यहाँ से पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा। बट यू कैन सी लाइक लोग अभी भी हैं थोड़े बहुत जो पानी में इंजॉय कर रहे हैं, बट समर टाइम हो चुका है, ठंडी हो रही है, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि टाइम पे यहाँ से घर निकल जाएं। सो फाइनली पूरे दिन के बाद अब हम वापस निकल रहे हैं। वी हैव अ गाइस सब हमारे साथ। सो आज का पूरा दिन सिर्फ हम पूरा दिन नहाए हैं, सिर्फ पानी में रहे हैं, सिर्फ मस्ती की है और बहुत मज़ा आया, पैसा वसूलता है। आई विल सजेस्ट यू, अगर आप प्लान कर रहे हैं आने का, आपको डेफिनेटली आना चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ फैमिली प्लेस, यू विल रियली एंजॉय दिस एंड बहुत मज़ा आया। एंड गाइस ये वाली पीछे वाली रोड है, ये हरदोई जाती है एंड ये सामने यहाँ पे लखनऊ, हरदोई लखनऊ हाईवे पे स्टेटेड है ये वाटर पार्क। सो वी रियली एंजॉयड एंड अभी हम घर जा रहे हैं। सो यहाँ से अभी हमें कैब पब्लिक कन्वेंस ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कोई पब्लिक कन्वेंस हमें मिलेगा, तो हमें वेट करना पड़ेगा। मे बी हो सकता है बस मिल जाए जैसे आधे टाइम हमें मिली थी एंड फिर हम घर जाते हैं। जैसा होता है आपको दिखाते हैं सामने सामने नहीं रुकेगी, सरकारी वाली है। और मीठे पान दे पिलोरी, लट्ठा सूट दे लोहरी, फटे मार दे पिलोरी, जुगनी मेले मेल की कूद फाँद के चक्कर चकोटे जावे। आलिया भट्ट जा रही थी ट्रक में। सो वी आर वेटिंग फॉर द बस। कुछ लोगों ने बताया कि लखनऊ के लिए बस आपको यहीं से मिल जाएगी, तो अभी बस आ जाए उसके बाद फिर हम निकलते हैं। आ जा। तो फाइनली गाइस बस आ गई गाइस फाइनली, अब हम चलेंगे दुबग्गा। चलो एज यूजल गंवारों की तरह ये लोग पहले घुस रहे थे, जबकि उतरना प्रायोरिटी दी जाती है उतरने वालों को। क्लास सीट में और अभी ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं दुबग्गा लखनऊ। हम लोग सीतापुर बाईपास के पास रुके हुए हैं, तो ये रास्ता यहाँ से सीतापुर जाता है। हाँ माँ, सो दुबग्गा आ गए गाइस एंड अभी हम लोग उतर रहे हैं। फाइनली वी रीच दुबग्गा, हम आ गए हैं, थैंक यू टू द बस ड्राइवर। और अब हम जा रहे हैं कहीं कुछ खाने के लिए, कुछ भी मिल जाए, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट था नहीं, वहाँ पे एक ही जगह मिली, तो वहाँ पे किसी ने रुकना प्रेफर नहीं किया, तो मैंने कहा चलो आगे चलते आगे देख के कुछ खावा लेंगे। तो अभी जाते हैं फिर दिखाते हैं। राम जी के भक्त हो तो जय श्री राम बोल दो। फाइनली है राइट मुरादाबादी बिरयानी खाने के लिए सबने कहा, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। बहुत फेमस है ऑल ओवर लखनऊ, लोग आते हैं यहाँ पे खाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है इनका। ऐसा सुना है कि इनका दिन का 12 लाख का सेल है रोज का। सो लेट्स सी कैसे देते हैं। तो ये सब चालू हुआ, किसी ने वेट नहीं किया कि किसी का आया, देखो इसका हैंगिंग नहीं आया हुआ, हमको देखे। ना राहुल भाई है, MBA कर रहा है अभी, BEd कर चुका है और ग्रेजुएट है बीकॉम से ग्रेजुएट है। तो MBA करके अच्छा भाई, कभी भी यहाँ पे आओ तो भैया ने कहा है कि यहाँ से पानी जरूर लेके जाना है, बिल्कुल दाढ़ी बनवानी भैया के पास से आना है। हाँ दाढ़ी बनवा के पानी पियो फिर कहीं जाओ, हाँ इसके बिना जाना नहीं है।
अभी खस्ते खाने के लिए आ गए, और ये दो बग्गा और भैया का स्टॉल यहाँ पे लगता है। भैया मीठा कर दीजिएगा एक। बाकी लोग एक्चुअली सब खाना खाने गए, कह रहे थे कि नहीं पेट नहीं भरा है बिरयानी से, तो अभी वो लोग किसी रेस्टोरेंट वगैरह पीछे गए हुए, तो हम लोग बिल्कुल मूड नहीं था बाहर जाने का। हमने कहा नहीं हमें खाने गए। हाँ भैया मीठा मीठा ज़्यादा रखिएगा, कड़ू बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बैग छोड़ दिया विकास से, दो मिनट भैया आ रहा है, ये देखिए बैग छोड़ दिया। हाँ तो भाई बैग छोड़ दिया था, अभी बैग लेने गए हैं वो। हाँ ठीक है, बैग लेके आ गया विकास, बैग लेके आ गया। नैनीताल जाने के लिए लड़ाई, नैनीताल हम आगे हवा चौराहे पे, तो अभी क्या है ना कि सब पैसे वैसे लोग दे रहे हैं, अब यहाँ से शायद देखते हैं कि ये लोग कैसे चलते हैं, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस से बहुत दूर नहीं है हवा चौराहे से हमारा घर, तो वॉक करके जाते हैं या कैसे जाते हैं। लेट्स सी, फिर से रिक्शा में, और फिर से रिक्शा में बैठ गए हम लोग। तो पूरा प्लान भाई का था, हम लोग कहीं और जा रहे थे लेकिन भाई ने बोला वहाँ नहीं जाना है, वहाँ पर पानी ऐसा नहीं है, ऐसा है वैसा है, पानी में क्या न्यूक्लियर कुछ रिएक्टर वक्टर है तो फट जाने से तुम्हारे फट फट जाएगा, बम लगाए बम। हाँ तो ऐसा उसने कहा, तो हम लोग ठीक है भाई जब इतना कह रहे हो तो मैंने कहा चलो हम पानी चल रहे हैं। लेकिन अभी अपने एरिया में बहुत मज़ा बहुत ज़्यादा आया, अभी यहाँ से 100 मीटर भी नहीं है लाइक चलने वाला, अभी यहाँ से 100 मीटर भी नहीं है लाइक चलने वाला, बस आगे ऑलमोस्ट अपनी सोसाइटी में ही है। तो फाइनली अपनी सोसाइटी में हम आ गए, एंड यहाँ से सब अपने अपने घर जाएंगे। फाइनली बैक टू होम, मामा वेट करी थी हम लोग का। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो गाइस मेक श्योर दैट आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड जब भी हम कहीं भी बाहर जाएंगे तो हम वीडियोस बनाते रहेंगे। सो टेक केयर टिल देन।